नमस्कार, आप देख रहे हैं टास्क न्यूज। जगदलपुर रायपुर हवाई यात्रा पर एक बार फिर ग्रहण लग गया है। जी हां, 7 महीने पहले 31 मार्च को शुरू हुई फ्लाइट घाटे के चलते एक बार फिर से बंद हो गई है। इंडिगो का कहना है कि उसे रायपुर रूट पर पर्याप्त यात्री नहीं मिल रहे हैं, जिसके कारण इसे घाटा हो रहा है। 31 मार्च 2024 से अब तक 66% यात्री ही रायपुर के लिए इंडिगो को मिल पाए हैं, जिसके चलते इसे काफी नुकसान उठाना पड़ा और अंततः इंडिगो ने जगदलपुर से रायपुर, रायपुर से जगदलपुर यात्रा बंद कर दी है। हालांकि जगदलपुर हैदराबाद आवागमन पहले की ही तरह जारी रहेगा। अगर बस्तर के यात्रियों की बात की जाए तो इनका कहना है कि अगर रायपुर की फ्लाइट का समय सुधर जाता तो शायद आंकड़ा 66% से कहीं ज्यादा होता। फ्लाइट आधे पहर के बाद रायपुर पहुंचती है और लोगों का अगले दिन ही काम पूरा हो पाता है। इस वजह से लोग इस हवाई यात्रा से परहेज करने लगे हैं। मोदी जी और विकासोन्मुखी सरकार यह कहती है और इतिहास भी यह कहता है कि यातायात के जहां जितने साधन होंगे विकास वहां उतना ज्यादा होगा। और पिछले 50-60 वर्षों से हम देख रहे हैं कि यातायात को तरसता बस्तर, केसकाल घाटी का रोना रोता बस्तर, रोड की समस्या तो थी ही, रेल का तो सपना देखते शायद हम मर जाएंगे तो आएगी, और इन दोनों के बीच में एक सुविधा चालू हुई थी जिसे हम विमान सुविधा कहते हैं, और बड़ी अच्छी योजना थी केंद्र सरकार की उड़ान योजना, जिसमें ये कहा गया था कि कम पैसे में आम आदमी भी हवाई यात्रा का लुत्फ ले सकेगा। और इस बात को लेकर के यहाँ विमान यात्रा शुरू हुई थी। 10 सीटर एक छोटा सा विमान चलता दिखा यहाँ पर, परंतु वो इतनी खराब स्थिति में था कि महीने में शायद 2 दिन ही चलता था और 28 दिन वो कैंसिल हो जाता। उसके इस अव्यवस्था के कारण वो बंद हुआ। फिर साल दो साल विमान व्यवस्था बंद रही। आप लोगों ने बहुत प्रयास किया इस बात को और यहाँ की जरूरतों को सरकार तक पहुँचाने का, परंतु 2 साल बाद शायद बस्तर के भाग्य फिर खुले और रिलायंस एयर ने हैदराबाद, जगदलपुर और रायपुर की हवाई यात्रा शुरू की और अच्छा प्रतिसाद कहना चाहूँगा कि मिला और 1.5-2 साल निर्बाध चलती रही। इसके बीच इंडिगो एयरलाइंस की एंट्री हुई और उसने भी इसी रूट पर अपनी हवाई सेवाएं प्रारंभ की, परंतु अब न्यूज़ है कि ये रायपुर वाली सेवा बंद हो रही है इंडिगो की। तो जैसे वज्रपात हुआ हो यहाँ की आम जनता पर कि रोड और रेल की कनेक्टिविटी तो नहीं है, चलिए थोड़ी बहुत ऊंट के मुंह में जीरा की तरह ये हवाई सेवा थी जिसका लाभ लोग ले रहे थे और सुगम हो रहा था सफर और आगे बढ़ने की संभावनाओं पे लोग चर्चा करते थे, क्योंकि 60% से ज्यादा ऑक्यूपेसी हमेशा रहती थी रायपुर रोड पर और 80% लगभग हैदराबाद रोड पर, तो अच्छी थी। और उड़ान योजना के तहत जो है सरकारों द्वारा, राज्य सरकारों द्वारा या केंद्र सरकार द्वारा विमानन कंपनियों को यदि घाटा होता है तो उसकी पूर्ति की व्यवस्था भी की गई। और ऐसे में इंडिगो का ये कहना कि हमें घाटा हो रहा है इस लाइन पे इसलिए हम ये बंद कर रहे हैं, तो ये तर्कसंगत नहीं लगता है। इसके पीछे कुछ और कारण होंगे, परंतु पब्लिकली वो ये ऐसा अनाउंस कर रहे हैं तो मुझे नहीं लगता कि ये सही है। तो मैं जनप्रतिनिधियों के माध्यम से, आपके माध्यम से ये कहूँगा कि जनप्रतिनिधि इस विषय में आवाज़ उठाएं, बुलंद करें, जन आंदोलन करें। और ये जो व्यवस्था चल रही थी ये चालू होने के साथ साथ अन्य आवश्यकताएं भी यहाँ हवाई सेवाओं की है, उसे भी चालू करवाएं और प्रतिसाद अच्छा मिलेगा ये जनप्रतिनिधि अच्छी तरह जानते हैं, परंतु वो अपनी बातों को केंद्र में या राज्य में जब तक मजबूती से नहीं रख पाएंगे तब तक कुछ नहीं होगा। और अगर नहीं होता है तो जनता को साथ लेकर सड़क की लड़ाई लड़नी चाहिए, तभी यहाँ रेल सेवा हो, चाहे सड़क की सेवा हो, चाहे हवाई मार्ग की सेवा हो, सुचारू रूप से चलेगी और इस क्षेत्र का अच्छा विकास हो सकेगा, यहाँ के लोगों को रोजगार मिलेगा और यह क्षेत्र विकसित होगा। एक कारण और है कि इसका किराया भी लगातार बढ़ता रहा है, तो इंडिगो ने साफ कह दिया है कि वो अपनी सेवा अब यहाँ शुरू नहीं कर पाएगी। तो दूसरी ओर जनप्रतिनिधियों, अधिकारियों के प्रयास से एलायंस एयर की रूट वापस आ सकती है। एलायंस सेवा देने के लिए तैयार है पर कुछ फॉर्मेलिटीज पूरी नहीं हो पा रही है, जिसके कारण यह विमान सेवा प्रारंभ ही नहीं हो पा रही है। कलेक्टर बस्तर हरीश एस का कहना है कि आर्थिक नुकसान के चलते इंडिगो ने रायपुर की फ्लाइट बंद कर दी है। हम उनसे विंटर शेड्यूल का नया स्लॉट मांग रहे हैं, रीशेड्यूल के लिए भी बात चल रही है। इसके अलावा हम एलायंस एयर से भी बात कर रहे हैं।
वहीं अंचल के समाज सेवी संपत झा ने कहा है कि स्थानीय लीडरशिप बस्तर को मिलने वाली सुविधाओं पर उदासीन है, इसी वजह से बस्तर का नुकसान हो रहा है। नेताओं को पता ही नहीं होता कि क्या मिलने वाला है और क्या छीना जा रहा है। इंडिगो चली गई और सब देखते रह गए। अब समय आ गया है कि जनता नेताओं से पूछे कि वह सुविधाओं को बचाने के लिए क्या कर रही है। संसद में कह देना एक अलग विषय है, और जो संबंधित विभाग या मंत्री हैं उनसे मिल करके अपनी बात को, यहाँ की परिस्थितियों को, यहाँ की आवश्यकताओं को व्यक्तिगत रूप से उन्हें समझाना, क्योंकि वो देश के किस क्षेत्र से आए हैं उन्हें यहाँ की परिस्थितियों का भान नहीं है, तो यह काम कौन करेगा? हमारे जनप्रतिनिधि ही करेंगे कि हमारा बस्तर ऐसा है, वहाँ इतने लोग हैं और यहाँ वहाँ की ये आवश्यकताएं हैं, इसलिए आपको ये चालू करना जरूरी है। उदाहरण के लिए, जैसे यहाँ से लगभग 200 से 250 बसें प्रतिदिन रायपुर जगदलपुर चलती हैं, अगर एक बस में 50 यात्री आप जोड़ लें तो कितने यात्री बस के माध्यम से रायपुर आना जाना करते हैं, फिर प्राइवेट गाड़ियों से लोग अपनी कारों से जाते हैं, तो ये संख्या कितनी है? अगर यहाँ से रायपुर जगदलपुर सीधी ट्रेन हो जाए तो कितने आदमियों को लेकर के एक ट्रेन जाती है? 1000-1500 के बीच की। तो जब 15 से 20 हजार पब्लिक रोज आना जाना रायपुर करती है और इतनी आवश्यकता है और केसकाल घाट की स्थिति इतनी खराब है और आयरन और इसी रोड मार्ग से जाता है, तो केसकाल घाटी का चाहे जितना भी रिपेयर किया जाए हर साल खराब हो जाती है। तो अगर रेल मार्ग बन जाएगा तो यात्री सुविधा के साथ साथ माल परिवहन की सुविधा भी हो जाएगी, और वो घाट में जो हर बार करोड़ों अरबों रुपए खर्च करती है सरकार वो बचेगा, पेट्रोल डीजल जो इतना ज्यादा लगता है इन गाड़ियों के चलने से, रेल के चलने से, उसमें कमी आएगी, तो सरकार की विदेशी मुद्रा भी बचेगी। तो इन सब बातों को हमारे प्रतिनिधियों को, संबंधित मंत्री, अधिकारी, कर्मचारी, विभागों को समझाना होगा।